हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो फर्दर विध लिक्विड अप अपटिल नाउ वॉट एवर डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल सोलूशंस हमने यही माना था कि सल्यूशन्स जो होता है वो आइडियल होता है एंड आइडियल सल्यूशन जो होते हैं दे विल फॉलो रोल अपेबल होता है हाउ डिड वी डिफाइन आइडियल सोलूशन सो आइडियल सल्यूशन डिफाइन हमने ऐसे किया था कि मान लो यू हैव अ मिक्सचर ओके, विच टू कंपोनेंट्स ए एंड बी तो हमने ये कहा था कि द इंटरक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी सो इनके इंटरनल इंटरक्शन जो है आर ऑलमोस्ट सेम एस इंटरक्शन बिटवीन ए एंड बी ओके सो ऐसे मिक्सचर्स को सो वेन ऑल दीज इंटर आर सेम ऐसे सोलूशन को कहा जाता है आइडियल सल्यूशन हा आइडियल सल्यूशन की ना कुछ और प्रॉपर्टीज होती है So, एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जब आप इन दो आइडियल लिक्विड मतलब जब दो ऐसे कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो विच आर गोइंग टू फॉर्म आइडियल सोल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन एन सी सिक्स एच फोर्टीन एंड एन सी सेवन एच सिक्सटीन ओके सो जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो वॉट यू वुड रियलाइज कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग मतलब एनथालपी ऑफ मिक्सिंग दैट इज जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो ना ही वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है ना ही वो प्रोसेस इंडोथर्मिक होता है सो फॉर आइडियल सल्यूशन यू हैव टू रिमेंबर दैट डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इज दैट द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो सो वॉट डू यू मीन बाय चेंज इन वॉल्यूम इज जीरोट से यू हैव ओके वन लीटर ऑफ ए एंड यू हैव वन लीटर ऑफ बी अब जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, होके okay, अगर जो ये आइडियल सोल्यूशन बनाता है तो इसका अगर जो आप वॉल्यूम देखोगे वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर दिस विल बी इक्वल टू टू लीटर सो टोटल वॉल्यूम आफ्टर द मिक्सचर एंड टोटल वॉल्यूम बिफोर द मिक्सचर इज सेम राइट

तो आपका टोटल वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी ओके फाइन ओके अच्छा ये आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं दे रेडि मिक्स विथ ईच अदर बिकॉज दे रेडिजी मिक्स विथ ईच अदर चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन जीरो

इसके बाद फिर आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स आते हैं क्लोरोबेन ब्रोमोबेजीन सो दट इज सी सिक्स एच फाइव सी एल एंड सी सिक्स एच फाइव बी आर ये सारे जो है ये सारे एग्जाम्पल्स है इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू रीड एनसीआर में जो जो है, वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है okay. Hexane, heptane, ये दोनों अलके दोनों के बीच में वरव फोर्सेस ही होता है एंड यहां पर ये, ये जो आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी सिमिलर दी दीज टू आर सिमिलर दीज टू आर सिमिलर बेनजिन ठीक है Now, ये हो गया आपके आइडियल सल्यूशन अब हम लोग जाते हैं समथिंग कॉल्ड एज नॉन आइडियल सल्यूशन जैसे नॉन आइडियल गैसेस होता है आइडियल गैसेस एंड नॉन आइडियल गैसेस होते हैं दीज आर नॉन आइडियल सल्यूशन जिनको हम लोग कहेंगे रियल सल्यूशन ठीक है नाउ जब हम लोग रियल सल्यूशन की बात करते हैं तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की रियल सोल्यूशन हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आइडियल सल्यूशन सो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है डेफिनेशन में द एबी इंटर एक्शंस इंटरक्शंस वेद ऐसे इंटरेक्शंस इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डिफरेंटफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ए ए

okay now roldso is not obeyed so your total vapor pressure will not be equal to mole fraction of a into p naught a plus xb into p naught b moreover delta h of mixing will not be equal to 0 and delta v of mixing will also not be equal to 0 Okay, वेन बी टॉक अबाउट दिस अब जब हम लोग नॉन आइडियल सल्यूशन की बात करते हैं तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज ओके सो वी विल लुक एट फर्स्ट पॉसिबिलिटी केस वन ओके सो केस वन इज वेन यूर ए बी इंटरक्शन आर स्ट्रांगर देन देन ए एंड बी बी इंटरक्शन विच मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज मच मोर एज कंपेयर टू बिटवीन ए एंड बी बी सो विच मीन लेट से अब देखते इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा लेट से यू हैव वन लीटर ऑफ ए प्लस यू हैव वन लीटर ऑफ बी आप इनको मिक्स करते होके अच्छा आइडियल सोल्यूशन होता तो इतना हो जाता ठीक है बट बिकॉज ए एंड बी के इंटरक्शन स्ट्रांग है तो क्या होता है कि ए एंड बी हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर एंड बिकॉज दे विल अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर मॉजिक्यूल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड वेन मॉजिक्यूल कम क्लोजर टू ईच अदर दे नॉट ऑक्यूपाई दिस एंटायर वॉल्यूम देफैक्ट ऑक्यूपाई lesser वॉल्यूम ओके okay? सो so, यहां पे यू कैन सी दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड इज लेस देन टू लीटर्स टू लीटर्स के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लेस इट इज सिग्निफिकेंटली लेस ओके समझ में आया तो यहां पे आई से दैट डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव लेस देन जीरो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज नेटिव की एक्चुअल वॉल्यूम माइनस एक्सपेक्टेड वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम विस दैन जीरो ना ए एंड बी के इंटरक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स ए एंड बी विद हैव अ टेंडेंसी टू कम क्लोज टू ईच अदर इफ दे विदेव अ टेंडेंसी टू कम क्लोज टू ईच अदर वो आराम से एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी नेगेटिव दैट इज य प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा

इनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी तो आई से दैट टेंडेंसी टू वेपर आइस विल रेड्यूस राइट टेंडेंसी टू वेपर आइस रेड्यूस नेंडेंसी टू वेपर आइस रेड्यूस विच मीन्स योर वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर विल बी लेस दैन द वेपर प्रेशर विच वॉज प्रोडिक्टेड यूजिंग रॉल दो इस वेपर प्रेशर को हम लोग आइडियल वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं सो आइडियल मिक्सचर के लिए जो भी वेपर प्रेशर होता है उसके रिस्पेक्ट में ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सो राइट योर एक्चुअल वेपर प्रेशर पी एक्चुअल विल बी लेस देन ये एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी ओके अच्छा सो इफ योर एक्चुअल वेपर प्रेशर इज लेस तो पी एक्चुअल ये आपका जो टर्म है दिस इज पी आईडियल राइट विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग ऑल्टो सो पी एक्चुअल इज लेस देन पी आईडियल सो देर फॉर पी एक्चुअल Minus P ideal will be negative. Correct. So in this case, I'll say that there is negative deviation. Deviation from Rold's law. From Raoult's law. There is negative deviation from Rold's Law. Theek? So I hope you have understood this. ओके वेन आई से नेगेटिव डिविएशन मतलब ए ए बी के बीच के जो इंटरक्शन होंगे दे विल बी 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 देन ए ए एंड सो टेंडेंसी टू वेपराइज विल ओके दे विल इजीली मिक्स विद ईच अदर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग वुड बी नेगेटिव ओके डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी नेगेटिव योर एक्चुअल वॉल्यूम विल बी लेस देन द आइडियल वॉल्यूम ओके अच्छा डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो बी लेस देन जीरो ठीक है अब आया इफ आई हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ये ग्राफ किस तरह से होगा लेट से यू हैव वेपर प्रेशर एंड लिक्विड कंपोजिशन ओवर हियर लिक्विड कंपोजिशन ऑफ ए ओके हम लोग ये मानते हैं ए इज मोर वो मोर वो this point represents x a equal to 0 this point represents x a equal to 1 ठीक है अच्छा when I say x a equal to 0 it means only b is present so b ka jo vapor pressure hai that will be p not b अच्छा यहां पे when x a is e equal to one only a is present a is more वो जट तो a का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा this is p not a अकॉर्डिंग टू रोल्स आपका जो ग्राफ है वो ऐसा होना चाहिए ओके दिस इज आइडियल वेपर प्रेशर आइडियल अच्छा बट इन दिस केस वेन वी सी दैट देर इज अ नेगेटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है कि एक्चुअल वेपर प्रेशर इज लेस देन द आइडियल वेपर प्रेशर एंड ये पॉइंट पे, पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट पे बस प्योर बी प्रेजेंट है एंड ये पॉइंट पे प्योर ए प्रेजेंट है तो सल्यूशन की बात ही नहीं आएगी ओनली हैव वन कंपोनेंट बट बाकी सारे पॉइंट्स पे यू हैव मिक्सचर ऑफ ए एंड बी तो अगर जो आपका आइडियल प्रेशर इतना है तो एक्चुअल प्रेशर हमेशा कम ही होगा सो ये आपका ग्राफ जो होगा और ग्राफ वुड बी दिस वे ओके सो दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव डिविएशन डिविएशन। इट्स ए एंड बी को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है तो वेपराइज नहीं होंगे ना वो लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे क्योंकि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू इच अदर सो दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव डिविएशन अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं सो दीज आर द एग्जाम्पल्स वॉटर एंड एसिटिक एसिड वॉटर एंड फॉर्मिक एसिड क्लोरोफॉर्म एंड एसिटोन क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइड एसिडेट वाटर एंड एच सी एल वॉटर एंड एच एन ओ थ्री एसिटिक एसिड एंड पेरेडेन फिनोल एंड एनदीन ओके नाउ ऑब्वियसली यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लिक्विड फेज में ही रहना प्रेफर करता है वेपराइज नहीं होते तो ऑब्वियसली आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट वुड इनक्रीज सो आज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज मोर

जो आप ये इक्वेशन देखते हो ये वाला इक्वेशन तो ये रिप्रेजेंट करता है ठीक है आइडियल सज्यूशन होता तो ए का कंट्रीब्यूशन इतना होता एंड बी का कंट्रीब्यूशन इतना होता बट वेन यू हैव ए नॉन आइडियल सज्यूशन इस तरह का सज्यूशन होता है So, actual contribution of A is less than this number. Actual contribution of B is less than this number. So, your overall vapor pressure is less than this number. Theek hai? Okay. Now, we will go on to case two. That is positive deviation from Rawls law. We will move on to case two now. That is, when you have a positive deviation from Rawls law. पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट सो वट डज दैट मीन इट मीन द इंटरक्शन बिटवीन ए बी आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरक्शन सो ए एंड बी के बीच के जो इंटर एक्शन है दो इंटरक्शन आर वीकर एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंटरक्शन अगर जो ये इंटर एक्शन वीकर है तो सबसे पहले क्या होगा मान लो यू मिक्स वन लीटर ऑफ ए विथ वन लीटर ऑफ बी ओके आइडिया दी अगर जो ये सज्यूशन इतना होना चाहिए तो तो क्या होगा कि सज्यूशन अब इतना हो जाएगा सो यू कैन सी दैट डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो अच्छा सिमिलरली ऐसे केस में ए एंड बी के इंटरक्शन वीकर है तो उनकी टेंडेंसी कम होगी मिक्स होने की तो ऐसे केस में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो होगा ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा आपका प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा अच्छा यू हैव टू रिमेंबर दिस किसी भी टाइप का आप मिक्सिंग करो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ओके मिक्सिंग करने पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है एंड डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन जीरो ओके अच्छा नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर एस ए एंड बी बिकॉज उनके बीच के इंटर एक्शन वीक है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है सो आई कैन से विद है टेंडेंसी टू वेपर आइज ना इनकी अगर जो वेपराइस होने की टेंडेंसी अगर जो ज्यादा है तो क्या होगा उसके वजह से उसके वजह से जो आपका वेपर प्रेशर है

this is pure B and this is pure A this is P not B and this point represents P not A ठीक है तो आप अगर जो इन दोनों को अभी join कर दो ये तो आपका आइडियल solution हुआ दिस इज फॉर योर आइडियल solution बट हमारे केस में ये आइडियल solution नहीं है ना बिकॉज यू हैव अ पॉजिटिव डिवियेशन योर एक्चुअल वेपर प्रेशर जो है दिस इज ग्रेटर देन योर आइडियल वेपर प्रेशर एंड पी एक्चुअल माइनस पी आइडियल इज ग्रेटर देन जीरो ओके सो द ग्राफ वुड बी दिस टाइप दिस इज आव योर ग्राफ वुड बी हर पॉइंट पे जो आपका वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर आइडियल सल्यूशन से ज्यादा है ओके सो दिस इज हाउ योर दिस इज वेन यू हैव अ पॉजिटिव डिविएशन ओके पे एग्जाम्पल्स इफ आई हैिव यू एग्जाम्पल्स की कौन कौन से केसेस में आपको पॉजिटिव डिविएशन मिलता है तो वन इज एच टू ओ एंड इथेनॉल उसके बाद यू हैव क्लोरोफॉर्म एंड वॉटर इसके बाद यू हैव Ethanol that is C two H five OH and carbon tetrachloride C C l four. Then you have methanol and chloroform so C H three OH and C H C l three. Okay. Then you have benzene and methanol C six H five C six H six and C H three OH. Okay. You have acetic acid and toluene C H three C O O H and सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री मिथेनॉल एंड वॉटर सी एच थ्री ओ एच एंड एच टू ओके सी टू एच फाइव ओ एच एंड साइक्लोहेगेन दैट इज सी सिक्स एच टूए तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये सारे एग्जाम्पल्स हुआ है जहां पर पॉजिटिव डिविएशन इज ऑब्जर्व ठीक है सो so, अच्छा इस केस में ऑब्वियसली बिकॉज मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी ग्रेटर टेंडेंसी टू वेपर आइस आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दिस बॉइलिंग पॉइंट विल रेड्यूस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर रेड्यूस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर रेड्यूस ठीक है

इट कैन आइर बी अ पॉजिटिव डिविएशन और इट कैन आइर बी अ नेगेटिव डिविएशन उससे फर्क नहीं पड़ता बट देर शुड बी large डिविएशन फ्रॉम ideality. ठीक है ना आपको याद है हमने वेपर फेज और लिक्विड फेज के कंपोजिशन हमने क्या कहा था बेसिकली कि लेट्स से यू हैव ए एंड बी ओके ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एज एक्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बीज एक्स बी इन लिक्विड फेस ओके ये लिक्विड कंपोजिशन है मान लो एज मोर वो द टाइल सिर्फ ए इज मोर वो द टाइल क्या होगा कि ए आराम से वेपराइज हो जाएगा तो इफ यू लुक एट वेपर फेज कंपोजिशन सो सिंस इफ ए इज मोर वोलटेज क्या होगा कि ए का मोल फ्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा सो वाई ए विल बी ग्रेटर एंड वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज एस कम्पेयर टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज करेक्ट तो यहां पे इफ यू कंपेयर वेपर फेज में और लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो डिफरेंट है दे आर नॉट सेम मतलब एक्स ए इज नॉट इक्वल टू वाई ए एंड एक्स बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी करेक्ट बट वेन आई टॉक ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा नहीं होता एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन वेपर कंपोजिशन इज सेम इज सेम सो विच मींस ऐसे मिक्सचर को कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है बॉइलिंग मिक्सचर इट्स लाइक दोनों जो लिक्विड्स है दोनों जो कंपोनेंट है इन दोनों कंपोनेंट्स की बॉइल होने की वेपराइज होने की टेंडेंसी जो है दैट इज एक्जैक्टली सेम ओके सो इफ यू हैव एजियोट्रोपिक मिक्सचर सो फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आई कैन से फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर ओके मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज सेम एज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज सो वाई बी इज इक्वल टू एक्स बी प्लीज अंडरस्टैंड एक्स एंड एक्स बी इक्वल नहीं है ऐसा नहीं कि दोनों लिक्विड इक्वल अमाउंट में ऐसा नहीं है इट्स जस्ट दैट लिक्विड का जो कम्पोजिशन इधर आई मीन मिक्सचर का जो कम्पोजिशन लिक्विड फेज में है मिक्सचर का सेम कम्पोजिशन जो है वो वेपर फेज में अब दोनों जगह पे फेजेस अगर जो कंपोजिशन सेम है तो इसका मतलब आप मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाओगे सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कैन नॉट बी सेपरेटेड इन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू कंपोनेंट्स बाय डिस्टिलेशन मेथड सो डिस्टिलेशन मेथड जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना डिस्टिलेशन कर करके आप ए एंड बी को सेपरेट कर सकते हो बट यहां पे आप ए एंड बी को सेपरेट नहीं कर सकते ओके Now, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है ये स्पेसिफिक कंपोजिशन पे बनता है विच मीन वेन यू हैव लेट से एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड एंड वॉटर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है बट ऐसा नहीं कि आप हमेशा कोई भी मोल फ्रैक्शन देखिए इनको मिक्स कर दोगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा ऐसा नहीं है ओके देर इज अपेसिफिक कंपोजिशन जिसपे ही आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर मिलता है ओके okay. ना ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है दिस इज दिस कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोर ट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोर ट्रॉप वेन आई से मिनिमम बॉइलिंग एजियोर ट्रॉप मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो अब बॉइलिंग पॉइंट कम कब होता है आप लोगों ने देखा हुआ है वेन देर इज अ पॉजिटिव डिविएशन आपके नोट चेक करोगे वेन एवर देर इज अ पॉजिटिव डिविएशन वी गेट अ मिनिमम बॉयिंग एसियोट्रॉप ओके क्योंकि जब कभी पॉजिटिव डिविएशन होता है तब बॉइलिंग पॉइंट रेड्यूस हो जाता है सो मिनिमम बॉइलिंग एसियोट्रोप इज ऑप्टेंड वेन देर इज अ लार्ज पॉजिटिव डिविएशन डिविएशन इन रोल्ड लॉ ओके एंड मैक्सिमम बॉइडिंग एसियोट्रोप जो होता है मैक्सिमम बॉयथिंग इज योर ट्रॉप ओके इट इज ऑप्टेन्ड व्हेन यू हैव अ लार्ज नेगेटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन कब होता है जब ए बी इंटरक्शन आर वेरी स्ट्रॉग एंड पॉजिटिव इंटर डिविएशन कब होता है व्हेन आर वीक, ओके, सो लार्ज नेगेटिव डिविएशन ओके आई शो यू टू ग्राफ्स जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा ओके सो द फर्स्ट ग्राफ

डेविएशन क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉमिथेनॉल कहां पे गया सी एच सी एल थ्री हा सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर पॉजिटिव डिविएशन सो वेन यू हैव अ लार्ज पॉजिटिव डिविएशन ठीक है यू गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोड्रॉप ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोड्रॉप है ओके ना लुक एट दिस ओके ये जो है ये आपका लिक्विड कंपोजिशन कर्व है एंड दिस कर्व इज अर वेपर कंपोजिशन कर्व ना वॉट डज दिस मीन इट सिंपली मीन्स दिस फॉर एग्जाम्पल ओके आपका कंपोजिशन ये है पॉइंट थ्री मोल फ्रैक्शन ऑफ लेट से पॉइंट थ्री इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोड टू दस ये ये पॉइंट होगा एंड आपका जो वेपर प्रेशर होगा ये वेपर प्रेशर ट्वेंटी एट के आसपास होगा ना ये तो आपका लिक्विड कंपोजिशन हुआ कंपेरेटिवली आपका जो वेपर कंपोजिशन होगा वो कितना होगा म का वेपर कम्पोजिशन जो होगा इट वुड बी दिस ओके पॉइंट सिक्स सो यू कैन सी दैट लिक्विड कंपोजिशन एंड वेपर कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफार्म आर डिफरेंट बट इफ यू कंसिडर दिस वॉट डू यू सी दिस कम्पोजिशन यहां से ये अगर जो आप पॉइंट देखते हो तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट पॉइंट सेवन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफार्म ग्लोरोफार्म का मोल फ्रैक्शन पॉइंट सेवन है एंड यहां पे लिक्विड कंपोजिशन कर्व एंड वेपर कंपोजिशन कर्व ये इंटरसेक्ट कर रही है इट मींस लिक्विड कंपोजिशन एंड वेपर कंपोजिशन आर एग्जैक्टली सेम ये दोनों कंपोजिशंस जो है वो एक्जैक्टली exactly सेम है तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट एजियोट्रॉपिक पॉइंट ओके okay? जब आप प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन कर्व बनाते हो तो आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाते हो यू मेक इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर एवर यू कैन सी ओवर हियर जैसे जैसे आप क्लोरोफॉर्म का कंपोजिशन बढ़ा रहे हो आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हैजू बी मोर वोदाइज क्योंकि ज्यादा वोदर है तो इसलिए जैसे जैसे आप क्लोरोफॉर्म इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बाय द सेम लॉजिक जैसे जैसे आप क्लोरोफॉर्म का कंपोजिशन इंक्रीज करोगे आप क्लोरोफॉम इज मोर वो द मोर वो द मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना तो जैसे जैसे क्लोरोफॉर्म का कंपोजिशन इंक्रीज होगा इसका मोल परसेंट इंक्रीज होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा तो ये जो ग्राफ है दिस इज बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन आप देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है होते जा रहा है इवेंचुअली यू रीच दिस पॉइंट विच इज योर एजियोट्रोपिक पॉइंट सो एजियोट्रोपिक पॉइंट इज बेसिकली पॉइंट एट विच इट इज द पॉइंट एट विच लिक्विड कंपोजिशन कर्व एंड वेपर कंपोजिशन कर्व इंटरसेक्ट ओके ये आपका मिनिमम बॉयिंग एसियो था वैसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियो भी होता है अच्छा so ये जो है इट इज मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड फॉर्मिक एसिड वॉटर एंड फॉर्मिक एसिड मैंने आपको बताया है कि इनके अः ये नेगेटिव डेविएशन होता है सो दिस बिकम्स योर मैग्सिम बॉइजिंग एजियो अगेन यू कैन सी दिस पॉइंट दिस इज दॉइंट एट विच बोथ कर््स इंटरसेक्ट

ठीक प्रीवियस पेज में ये वेपर प्रेशर का कर्व ऐसा था अच्छा यहां पे ये जो वेपर प्रेशर का कर्व है दिस वेपर प्रेशर यहां पे प्योर वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट दिस इज वेपर प्रेशर फॉर प्योर वॉटर दिस इज वेपर प्रेशर फॉर फॉर्मिक एसिड ओके फाइन यहां पे सिमिलरली जैसे ये था दिस इज बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस इज यो बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन सो जैसे जैसे आप ये फॉर्मिक एसिड का कंपोजिशन बढ़ाते जाओगे फॉर्मिक एसिड इज लेस वो दिल अब फॉर्मिक एसिड का कंपोजिशन बढ़ाते जाओगे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा ठीक है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट ऑफ विथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओके okay? सो so, दी वन